यस वेलकम एवरीवन टू टुडेज वीडियो लेक्चर क्लास। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991 का थर्ड एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम सब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो क्लास, पहले इससे पहले कि जो नोट्स मैंने लिखे हैं जो कि क्लियरली विजिबल हैं आपको, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करें क्लास, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द टर्म ग्लोबलाइजेशन। क्लास देखो, ग्लोबलाइजेशन में वर्ड आता है ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड। बात यहाँ पे किसी एक सिटी की नहीं हो रही, किसी एक कंट्री की नहीं हो रही, बात हो रही है पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की। ग्लोबल से बना है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो क्लास जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड करें, एक दूसरे के लिए उनकी कंट्री में कोई बैरियर ना हो ट्रेड को लेके। तो बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो देर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो दुनिया की अलग अलग इकोनॉमी है, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस हो रही है, वो मिलजुल के फ्री ट्रेड, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है, एंड ईच कंट्री इज हैविंग फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड विद द अदर कंट्री, ठीक है। तो ये जिस्ट है इस टर्म की, कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। समझना एक कॉन्सेप्ट है कि चलो आपको समझ आ गया ग्लोबलाइजेशन, आप क्लास टेंथ में भी पढ़ के आए हो, ग्लोबलाइजेशन आपको क्लियर हो गया, अच्छा भाई ठीक है समझ आ गया, यानी डिफरेंट कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कोई रेस्ट्रिक्शन हो, दैट्स ओके। बट अब एग्जाम में क्या पेन डाउन करोगे, अपनी आंसर शीट में आपको क्या पेन डाउन करना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, आप चलते हैं उसकी तरफ। क्लास सबसे पहले जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए ग्लोबलाइजेशन का, तो सबसे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन की एक मेजर डेफिनेशन लिखनी है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, मिलना, ये मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन मीन्स टू कंबाइन, टू यूनाइट। इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। क्लास आई एम यूजिंग पर्टिकुलरली दीस काइंड ऑफ वर्ड्स, पर्टिकुलरली इन वर्ड्स को यूज करने का पीछे लॉजिक है, व्हेन यू विल यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड इन योर एग्जाम, एटलीस्ट इन द डेफिनेशन पोर्शन, तो इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर। देखो मीनिंग समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। आपने अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करा, कंबाइन करा, क्यों कंबाइन करा, ताकि जो पूरी दुनिया है ये ग्लोबल इकोनॉमी बन, मतलब अलग अलग हिस्से ना हो, ये एज अ होल, कोहेसिव मीन्स एक, कि पूरी दुनिया एक बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन अगेन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमरजेंस ऑफ अ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, यानी डिफरेंट कंट्रीज को हम कंबाइन कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस लेके आ रहे हैं, ताकि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी बन जाए। क्लास इन इकोनॉमिक टर्म्स क्या मतलब बनता है इसका, इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस अराउंड द ग्लोब फॉस्टर्ड थ्रू फ्री ट्रेड एंड कैपिटल, यानी जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और किन चीजों की फ्री मूवमेंट हो रही है, फ्री ट्रेड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी कंट्री में, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, एंड कैपिटल मूवमेंट, यानी ट्रेड और कैपिटल का फ्री फ्लो है, समझ आ रही है बात, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो है, कैपिटल का फ्री फ्लो है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो फ्री, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर इंडियन कंपनी बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो फ्री है, यानी फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब क्लास आपको पता होगा टिल 1991 जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रही थी। आपको पता है कि इंपोर्ट पे कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी सारे टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं था, मतलब हम बाकी कंट्रीज के साथ, जो दुनिया के बाकी देश हैं उनके साथ हम फ्री ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिया ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी अपने इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, टैरिफ यानी टैक्स लगा रखा था, कोटा रेस्ट्रिक्शंस हमने लिबरलाइजेशन में डिस्कस करी हैं, कि कोटा रेस्ट्रिक्शन में क्वांटिटी फिक्स कर रखी थी, तो काफ़ी तरह की फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी और रेस्ट्रिक्शंस थी, जिस वजह से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1991 के बाद जब ये एलपीजी पॉलिसी आई, पर्टिकुलरली विद ग्लोबलाइजेशन, इंडिया ने वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, ताकि हमारी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो सके एंड हम भी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड कर सके, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप ध्यान से देखो, इंडिया ने थ्री मेजर स्टेप लिए, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करा, यानी जो कोटा रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन हटा दी, ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट हो।
साइड बाय साइड हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन करा कि जो हमारे यहाँ के कंट्री के गुड्स हैं हमने उनकी प्रमोशन शुरू करी, उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज करा. रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज, खास करके जो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आती है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज को लेके, ये जो करेंसी की $1 कितने रुपीज का है और करेंसी एक्सचेंज को लेके जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करे. क्या रिफॉर्म्स करे ये आपके BST में इतना डिटेल में नहीं है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन डिटेल में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को, बट बिजनेस स्टडीज के सिलेबस का स्कोप इतना ही है कि आपको बस इतना समझना है कि ग्लोबलाइजेशन में इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन की गई, इम्पोर्ट पे से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन की गई, यानी जो एक्सपोर्ट था हमारा पर्टिकुलरली उसको बूस्टअप करा, उसको इनकरेज करा कि हम भी डिफरेंट कंट्रीज को अपना सामान सेल करें. रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज, बस इतना समझो कि हाँ रिफॉर्म्स किए गए, किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिलेबस. ये सब रिफॉर्म्स क्यों किए गए, क्योंकि ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इसलिए इसको इकोनॉमिक्स में डाला है, बिजनेस स्टडीज में तो बहुत लिमिटेड स्कोप है तीनों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का. ये रिफॉर्म्स क्यों किए गए, सो दैट कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो हमारी बाकी दुनिया से, ऐसा ना हो कि इंडिया इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दे हम इंटरनेशनल ट्रेड ही ना कर पाए और हम आइसोलेट हो जाए, मतलब बाकी सबसे हटके हम अकेले बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, और उस पार्टिसिपेशन के लिए ही, उस ग्लोबलाइजेशन के लिए ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे से रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई ताकि एकदम फ्री, तुम कहते खुला ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट हो. अब प्लस ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आप अभी भी देख सकते हो कि इवन इंडियन जो सेलर्स हैं दे कैन रीच टू द इंटरनेशनल बायर्स, आप इंटरनेशनल लेवल तक अपना सामान सेल कर सकते हो, और सिर्फ सेल नहीं एज अ कस्टमर, अगर आप अपने आप को एज अ कस्टमर देखो तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज आप फॉरेन ब्रांड्स आपकी इतने ईजी रीच में, आप कितने इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग है, अब तो फॉरेन MNCs के जो कंपनीज हैं, फॉरेन ब्रांड्स के इतने शोरूम्स हैं यहाँ पे कि एज अ कस्टमर आपके लिए फॉरेन ब्रांड को खरीदना कितना इजी हो गया है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और एज अ सेलर आप देखो तो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन हुआ है कि आपके लिए बहुत ईजी है डिस्टेंट कस्टमर, यानी जो बहुत दूर दूर दूसरी कंट्रीज में कस्टमर्स हैं आप उन तक अपना सामान सेल कर सकते हो. और ऑब्वियसली ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ईजी हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना, जब से ये इंटरनेट और ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को और बूस्टअप मिला है. आज हम इंटरनेट की हेल्प से किसी भी ब्रांड का सामान खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वी हैव इंटरनेट की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करने के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बहुत बूस्ट मिला है. ठीक है क्लास, तो ग्लोबलाइजेशन को सम अप करो तो बहुत छोटी सी बात है कि डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंटीग्रेट हो जाए, यूनाइट हो जाए, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल इकोनॉमी बन जाए, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड की मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट, कैपिटल की मूवमेंट्स एकदम फ्री हो जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. तो आई होप क्लास आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपको एग्जाम में क्या डेफिनेशंस लिखनी है, इकोनॉमिक टर्म्स में क्या ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया ने मेन किन 3 जो कहते हो पॉलिसीज पे वर्क किया है सो दैट कंट्री डज नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन ऐड कि एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैज रियली गिवन अ ग्रेट बूस्ट टू ग्लोबलाइजेशन. तो ये छोटी मोटी चीज़ें और आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है. कोई भी डाउट है अगर आपको क्लास, सो यू कैन मार्क द डाउट इन योर कमेंट बॉक्स.